बार फिर एस के एम ने प्रोग्राम दिता कि एम एस पी नू लेके असी संघर्ष करांगे। एम एस पी का एस के एम का संघर्ष एजेंडा है, पर इस बार निशाने ते सेंटर नहीं है, स्टेट है। यह गल ही मतलब स्टेट ना जुड़ती है, जिहड़ियां मंगां सेंटर ना जुड़दियां उह सेंटर कोल जांदे असीं, जिहड़ियां स्टेट सरकारां ना जुड़दियां। पिछले दिन असीं इक मीटिंग करी थी मोबाइल फोनां ते करी थी भी मक्की लुट्टी जा रही है, मूंगी लुट्टी जा रही है, सूरजमुखी भी आपां नूं की करना चाहिए। साडा फैसला हो गया भी एक जथेबंदी एक गड्डी लैके आवे, वध तों वध ने कहा कि मूंगी बीजो, तुसीं फसली विभिन्नता अपनाओ, फसली चक्कर तों बाहर आओ, मूंगी बीजो। केंद्र कहिंदा कि असीं एम एस पी नहीं दे सकदे, स्टेट ने एम एस पी देती। इस बार भी कहिंदे कि असीं एम एस पी देवांगे, सरकार एम एस पी देगी, किसाने नूं घाटे च नहीं जाण दिंदी। मसले असीं हल करन ते लगे हुए हाँ, सरकार मसले हल करन ते लगी हुई है। किसानां कोले कोई धरना लाउण दी वजह नहीं है, तो किसानां कोले तां धरना लाउण दी जगह, जिथे जगह खाली मिलदी है बह जांदे ने। पिछले बार मेरे इलाके दे विच वड्डी पद्धर ते मूंगी बीजी सी, बठिंडा मानसा उधर साढ़े बाण जिले ने, इन्होंने सरकारी रेट से नहीं खरीदी, स्टेट सरकारां नाल जुड़दियां। पिछले दिन असीं इक मीटिंग करी थी मोबाइल फोनां ते करी थी भी मक्की लुट्टी जा रही है, मूंगी लुट्टी जा रही है, सूरजमुखी भी आपां नूं की करना चाहिए। साडा फैसला हो गया भी एक जथेबंदी एक गड्डी लैके आवे, वध तों वध ते लीडर मेन लीडर हों, वड्डा डेपूटेशन आपे आपां मंग पत्र देवांगे। पहले असीं गुरू का सब इकट्ठे उत्थे मीटिंग की, फैसला हो गया भी किन्ने लीडरां उत्थे जाणा है। असीं फैसला कर लिया भी एक जथेबंदी इक लीडर जाऊगा, मेरी जैसे साडा जनरल सकत्तर गया गुरनाम सिंह भीखी, मैं मेरे तो तुरी ना तू जा हूँ। तो हूँ जो की छिट्टा निकलता है, खेतीबाड़ी मंत्री मीटिंग है, असी तो मंग करिए मुख्यमंत्री मीटिंग कराओ। चलो कहते कि खेतीबाड़ी ना कराने, हूँ आ के दसणगे की छिट्टा निकलिया की निकलिया गाह की संघर्ष करना है। आने वाले दिनों के एक मीटिंग होगी साड़ी लाजमी दिन ते रात की, फिर मेरा ख्याल मसला हल ना होया, क्यों हजे 60% मूंगी रही है, 83% मूंगी खरीदी जा चुकी है। नहीं नहीं, 60% रही है, 40% खरीदी आई है, वो तो सरकार कुछ 1.5% खरीद हुई है, वो सरकारी खरीद हुई है। हाँ हुई, किसी ने भी खरीद ली 40% खरीदी की 60 रही है, तिने फसल आए। ये असी मीटिंग सद के दुबारे कोई बड़ा ऐलान करा भी अपन की करना चाहिए। हाँ सुटना एक वायदा करके जाने, इतनी जेडे देे देे अगले साल नहीं घट रेट से विकन देवे, ये भगवान को नहीं सोच रहे। सरकार तो यह भी कहती है कि पिछले बार सरकार ने कहा कि मूंगी बीजो, तुम फसली विभिन्नता अपनाओ, फसली चक्कर तो बाहर आओ, मूंगी बीजो। केंद्र कहता कि असी एम एस पी नहीं दे सकते, स्टेट ने एम एस पी देती। इस बार भी कहते कि असी एम एस पी देवे, सरकार एम एस पी देगी, किसानों को घाटे च नहीं जाण दी। मसले असी हल करन ते लगे हुए हाँ, सरकार मसले हल करन ते लगी हुई है। किसानों कोले कोई धरना लाउण दी वजह नहीं है, तो किसानों कोले तां धरना लाउण दी जगह, जिथे जगह खाली मिलती है बह जांदे ने। पिछले बार मेरे इलाके दे विच वड्डी पद्धर ते मूंगी बीजी सी, बठिंडा मानसा उधर साढ़े बाण जिले ने, इन्होंने सरकारी रेट से नहीं खरीदी, इन्होंने मगरों कहता असीं भरपाई कर देंगे, भरपाई भी नहीं करी, फिर कहते 1000 रुपया क्वंटल का दे देंगे, वो भी दिता नहीं, 1000 रुपया दिता नहीं गा। मतलब फिर सानू इस घर से राह पैना पे है, तो साडा जी नहीं करता कोई वेले, हुण मक्की है 2090 रुपये बनते हैं, तो 1200 लुट लुट रहे हैं, फिर दसो फिर साडा कोई सरपंच भी असीं इत्थे आवांगे, जे उहनूं लुट हो रही है उहदे खिलाफ असीं आउणे। ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ 21 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਡੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਲੋਕ ਅੱਡੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਟ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੱਟ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਧਣਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟੇ? ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੜਬੜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਗਈ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ, ਨਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਐਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਜਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
सरकार कहती कि असी खेतों च पानी लाता नहरी पानी 475 करोड़ साडा रख्या होया नहरी पानी दे लई ते पंजाब दे कोई भी जिहड़ा खेत है जमीन है उहदा कोना इहो जिहा नहीं रहना जिथे नहरी पानी ना पुज्जना। इस बार तुसीं देख लो कि सानू कि तुहानू पानी धरती हेठला पानी नहीं वरतना पैना झोना नहरी पानी नाल। इस गल तों मैं भी नहीं मुकरदा पर पानी ना मक पैदा करे ना पानी ना मूंगी पैदा करी है ना पानी ना सूरजमुखी पैदा करे वो पानी ना दिंदा ना बीजदे औखे ना हुंदे उन्होंने अद्धम रेट से लुट लिया सरकार ने लटाता कह दिए लोगों को लटाता फिर पानी तो असं करवा है जो मतलब उन्हें पूरा रेट ही नहीं देना ना दिता पानी अदू ना छड़ता मोटर 8 घंटे छड़ता था ना बीजे मेरे को 14 किले मक आना इस वक्त सामने लगा पानी वाधू आ बिजली वाधू है दिन रात सारे जमा के लगे रहे जो स्प्रे कर लो मैं अब तो रेट है ही नहीं गा फिर की करेंगे नहीं हूँ एम एस पी है सरकार मीटिंग है ये की रहेगा जेकर सरकार ना मनी उठ के चले जाओगे इतें ही बैठोगे नहीं रेट तो सरकार ने लाने होगा यही नहीं है कागजा नहीं लाने कागजा तो रेट लाने पर अज इतने पक्के तौर पर नहीं बैठा अज जावे दोबारे मीटिंग सदा अज सिर्फ मेमोरेंडम देने तक का प्रोग्राम से कुछ होर बस ना ही नहीं गह जाने भी ठीक थी इतों लेके ऐ तो नहीं कि है किसान जथेबंदियों सरकार टाइम नहीं होने दी है कि धरना लागे प्रैशर क्रिएट कर दो नहीं कोई असं जफे नहीं पाने इतने बैठा साढ़िया मंगा मानी मुख्यमंत्री सानू कोई रोड़ी मानसा गया लखा रुपया खर्च कराया किसी को मिलकर नहीं आया क्यों पैसा खराब करता है तो दूजे को मानसा की गल करी थोड़े पुराने साथी ने जोगिंदर सिंह गुराह गुराह साहब ने टाइम दिता पर मिले नहीं हाँ गुराह साहब मिलने गए थे मैं तो गई नहीं मेरा तो शहर मानसा ही है खास है मानसा रहना मैं आपके दफ्तर हमें मैं तो जाते नहीं गुराह साहब ना थोड़ी पुराने लिहाज से बाद त्रेड़ किस गलों आई नहीं वो तो हमें जो जथेबंदियां 1990 तक क्रिक रही है उदू बाद डोडी जथेबंदियां जो मतभेद आई गए डोडी बनी गई जो दिल्ली धरना लग्या होया उदू गुराह साहब ने अपनी टिकरी वाली स्टेज तो बैठा से कि आ बैठा रुड़दू हाथ ला के दिखा दे कोई साड़ी थोड़े नाल कानूनां वाली निबड़ जूगी गुराह साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं कि रुड़दू सिंह मानसा ने कोई हाथ ला के दिखा दे तो उस तो बाद गुराह साहब के उत्ते काउंटर करते हैं मानसा साहब वो दिल्ली नहीं कहा जो उन्हें बरनाले बड़ा कट कर जी हाँ बरनाले बहुत बड़ा कट जी ठीक है मेरी हमदर्दी जो बोलिया मैं धन्यवाद करता पर जो ग्रह से भीड़ पई है मैं भी अद्धी राह जाता रहा कले आने संघर्ष लड़ना कितने लाठी चार्ज होगा कितने कुछ हो गया असं फट जाने हूँ भी हूँ कहना रिया करा चुनूनी साहब फड़िया मोर्चा भी बजे हरियाणे जाके चुनूनी भी छुड़ा लिया डलिया फड़ लिया मेरी प्रधानगी की मीटिंग मोर्चे की मैं क्या भी 8 दिन का अल्टीमेटम दे दो ज्यादा छड़ दो मैनू गलबात कर लो 8 दिन असं सोचा उ भी फेसबुक के उपर सपोर्ट की गई है डलेवाल देखो एक स्पष्ट गल है जगजीत सिंह डलेवाल ने पावरकॉम के सामने एक धरना दिता पी एस पी सी एल के पटियाला के मुख्य द्वार के उपर कि जिहड़ियां बिजली नाल मंगा ने वह मंगा मन जिहड़ियां मन्नियां होईयां मंगा ने उन्होंने पूरियां करो डलेवाल साहब धरनी जाबरी हटाता धक्का हो गया उन्होंने नाल कछलिया होस्पिटल एडमिट करते इलाज तो ना करती उन्होंने पानी तो ना करती मरण वरते वो बैठ गए सारी जथेबंदियां ने फेसबुक से सपोर्ट की मास लैवल से अगे नहीं कोई आया ब्याह च बंदा फेर जाता जे घाट देके जाए जन फेर जाता 3 बार घरे कह के आवे डलिया साहब पहला मीटिंग सदा भी आओ आप प्रोग्राम करना है असं फिर भाजपा माड़ी गल थी वो बह गया तिने गेट रोक ले आगी समझ गल उसने जबर करता उसने जबर करता सरकार ने जबर करता कह जो तो असी हारा नारा ही मारे मैं कदों कहना भी असं फोर्स लेके गया डलेवाल साहब ने बुलाए नहीं नैतिक आधार से चले जाते नहीं जाने ये जथेबंद सूल ने बिल्कुल नहीं कोई भी नहीं आऊगा हमला हो गया फिर चिट्ठी नहीं मंगते जे हमला हो गया वारदात होगी फिर उन्होंने कोई तो चिट्ठी नहीं मंगा कुछ नहीं करा फिर जावे मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं पैना पर पहला नहीं ए नहीं होंगे है कि लोग इशू तो कट्ठे ही होंगे ने इशू सारे कट्ठे ने पर जिते जथेबंदी का सिद्धांत असूल उपर है लोग मुद्दे नहीं 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 जथेबंद कोई सिद्धांत उत्ते नहीं मुद्दे के उत्ते होंगे लड़ने तरीके डूडी डलिया ने तिने गेट रोकते एक सिथों सू बिजली मिलनी है जिन्होंने तय करके तोड़नी है जिन्होंने उन्होंने असं जमा बंद कर देंगे तू बिल्ली कमरे से बंद करके देखियो गल चुमड़ जुड़ा बिल्ली छोटा जानवर होंगे एक तरीका हो जाए असं गवर्नर घेरे थी उदो मेरे दाढ़ी नहीं थी मतलब लगता एक राह असं गवर्नर छड़ के रखा थी लखवाल ने असं भी असं उदो मैं हम भी रात खोले जे मुलाजम से आ रहे जा रहे तिने बंद करे हुए थे चलो मैं कहना चल कर ले होर तरीके उठा चाहिए हमला नहीं होना चाहिए ब्रैकेट होना चाहिए
ਜਦੋਂ ਪਖੜਦਾਰ ਤੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਰਨ ਮਰਸ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬੈਠੋ ਤੇ ਬੈਠਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦਿਖਾਉ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਇੱਧਰ ਧਰਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੁਕੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡੱਲਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾਓ ਮੰਗਾ ਮੰਨੋ ਬਰਿਆ ਕੇ ਠਾਓ ਉਹਨੂੰ ਠਾਓ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਠਾ ਸਕਦਾ शुक्रिया फातमा थोड़ा बचार रखने के लिए पशु किसान नेता रूप सिंह मानसा मेरे नाल जुड़े हो तुम अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में रख सकते हो धन्यवाद।